जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चरित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुचित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के चोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गण गुंजर कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ माया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहाँ प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उसमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो ना केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े ही टाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बाड़ी से शुद्धोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाशस्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब आशित ऋषि ने समस्त जम्बुद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब आसित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनंती की, राजन द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने आसित से कहा, कृपया भीतर पधारें।